हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 12,68,000 शेयर्स खरीदे थे राकेश झुंझुनवाला जी ने इस कंपनी के, और कैसे उन्होंने करोड़ों की कमाई करी इस शेयर में। चलिए बात करते हैं इसके डिटेल में, और इस शेयर के अभी भी टेक्निकल जो फंडामेंटल्स हैं उन सबको भी जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं ये कहूँगा कि जीरोधा एक बहुत बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, और उस लिंक को क्लिक करके आपके पास एक फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। फॉर्म भरिए और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते और कमाई भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इस शेयर के बारे में और राकेश झुंझुनवाला जी की इस शेयर से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें और कितनी उन्होंने कमाई करी एस्टिमेशन। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं शेयर से। ये देखिए, 2011 में राकेश झुंझुनवाला जी ने इस ज़बरदस्त कंपनी के शेयर को लिया था। अब आप सोच रहे होंगे भाई कौन सी शेयर है, कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वीआईपी इंडस्ट्री। वीआईपी इंडस्ट्री एक वो शेयर है जो कि ज़बरदस्त, मतलब कि लगेज की दुनिया का बेताज बादशाह है। अब लगेज की दुनिया का बेसा अगर आप देखोगे आज की डेट में भी लगेज की दुनिया के बादशाह में दो नाम मेजरली आते हैं इंडिया के अंदर, एक वीआईपी इंडस्ट्रीज और एक आता है सैमसोनाइट। और अब देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज एक बहुत बढ़िया जो जांचा परखा स्टॉक जो राकेश झुंझुनवाला जी करोड़ों की कमाई करवा के इसने दी। और आप ये देखिए, 12,68,000 शेयर्स वीआईपी इंडस्ट्रीज खरीदे थे, ये 2011 की न्यूज़ है, तो 65 रुपये के रेट पे खरीदे थे। उस टाइम पे कोई वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को मतलब ऐसा कोई भाव नहीं देता था, ये आज की नहीं 2011 की बात है। और राकेश झुंझुनवाला ने जिन्हें ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग करी इस शेयर में वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में, चलिए ये सब चीज़ तो ठीक है, और शेयर उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। और उस टाइम पे जब राकेश झुंझुनवाला ने 65 रुपये पर ख़रीदा था और एफआईआई ने उसके बाद जब शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया और 650 के आसपास शेयर गया, और फिर जाके एफआईआई ने भी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाई, तो आप सोचिए 10 गुना ऊपर जाने के बाद एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट लगाई और राकेश झुंझुनवाला जी ने इस शेयर को बहुत पहले ही पहचान लिया था, सस्ते में बाई करके उन्होंने 65 रुपये में ख़रीदा था। तो आपने तो ये देखा होगा भाई कितने में ख़रीदा, 65 रुपये में। अब मैं उसकी अगर आप पुराने टाइम में अगर डिटेल देखें 2008, 2009, 2010 के हिसाब से, तो देखिए किस तरीके से धीरे धीरे उसका सेल्स टर्नओवर बढ़ रहा था, 595 करोड़, 576 करोड़, और ये देखिए 680 करोड़, इस तरीके से बढ़ रहा था। और नेट प्रॉफिट भी स्लोली स्लोली नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा था, तो ये काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला था। और दूसरी मेन चीज़ है, उसका जो उधार था टोटल डेट वो कम हुआ था 2010 तक, वो कम हुआ था, उसके बाद नज़र पड़ी और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था, तो ये सारे फंडामेंटल्स उन्होंने देखे और यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज में जो है शेयर राकेश झुंझुनवाला जी ने उठाया। चलिए ये तो सब ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इस शेयर का अगर उसके बाद क्या हुआ। आप सोच रहे होंगे आज की प्राइसिंग क्या है, आज की प्राइसिंग अगर आप वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की देखोगे तो 434 है। आप सोच रहे होंगे उस टाइम पे 650 कैसे चला गया होगा, तो ये देखिए 8वां महीना यानी कि अगस्त, 10 अगस्त को आसपास इसमें स्प्लिट हुआ, स्टॉक में स्प्लिट हुआ था। स्टॉक में जब स्प्लिट हुआ, ये अगर इसका चार्ट देखें आप, तो उस टाइम पे अक्टूबर सितंबर अगस्त में ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 160 और 200 के आसपास ट्रेड करता था। तो मतलब अगर 180 भी था स्प्लिट से पहले शेयर, तो 18 को आप 5 से गुणा करोगे तो उस टाइम का जो प्राइस था, क्योंकि 5 गुना हो गया था स्प्लिट के बाद। देखिए मतलब ये है कि अगर 1,000 रुपये का शेयर 5 हिस्सों में बटा तो वो 200 रुपये का हो गया था, और यहीं पे देखिए 180 का शेयर था अगर वो 5 अगस्त के आसपास, ये 180 के आसपास ये शेयर था, तो 160 के आसपास, तो 16×5=80, 800 के आसपास वो शेयर गया था। स्प्लिट होने के बाद वो 5 हिस्सों में आके 160 में आ गया, क्योंकि ये प्राइस एडजस्ट हो जाता है ग्राफ में। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो राकेश झुंझुनवाला जी ने कितने कमाए। अगर आप देखें 12,68,000 उन्होंने शेयर खरीदे थे 65 रुपये के रेट पे, तो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई वो हुई ऑलमोस्ट 8,24,00,000 के आसपास, 8,25,00,000 लगा लीजिए। अब स्टॉक के जो 5 टुकड़े हो गए, तो अब इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने चले गए, देखिए अभी 12 लाख थे, ये 12 लाख की जगह 12×5=60 63 लाख हो गए, 63,40,000। देखिए अब ज़बरदस्त तरीके से अब इनके शेयर भी 5 गुना हो गए, लेकिन आज का अगर रेट देखें तो 435 रुपये का रेट है, तो
इतने नंबर ऑफ शेयर्स इनके 5 गुना हो गए, ऊपर से 65 रुपये का शेयर आज की डेट में 435 रुपये का, आप देखिए कितना उनका प्रॉफिट। देखिए ये टोटल अमाउंट जब गुणा करोगे 634 इसको 435 से, तो देखिए टोटल जो आ रहा है अमाउंट आ रहा है 275 करोड़ 80 लाख के आसपास, और ये ओरिजिनल अमाउंट से कितना गुना ज़्यादा है, 33 गुना ज़्यादा है। और कितने साल लगे टोटल, अगर आप ईयर्स देखोगे, नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करोगे, तो 2011 अप्रैल के बाद आज की डेट में ये अप्रैल आने वाली है 2019, तो ये है 8 साल, 8 साल में उन्होंने होल्डिंग करी और 33 गुना अपना जो फंड था उसको 33 गुना कर दिया। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट रही उनकी, जिसने 33 गुना रिटर्न 8 साल में। अब हर साल का अगर आप लगाओगे तो 4 गुना का हिसाब से है, तो मतलब अगर उन्होंने 1 लाख लगाया होता तो आज की डेट में उनके पास 33 लाख होते, उन्होंने 8 करोड़ से ऊपर लगाया तो आज की डेट में 275 करोड़ इस एक पर्टिकुलर स्टॉक से उन्होंने कमाए। तो इसका मतलब है इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म, मतलब 8 साल 10 साल का जो पर्सपेक्टिव, जो हॉरिजन लेके चलता है, तो वो करोड़ों कमाता है। ये जो फिगर्स मैंने आपको बताई आप खुद देख रहे होंगे, आप VIP इंडस्ट्रीज़ को देखिए, उसकी डिटेल देखिए, राकेश झुंझुनवाला ने जिन्हें कितने में बाई किया था, कब उस स्टॉक में स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। आज की डेट में भी आप अगर जब देखोगे राकेश झुंझुनवाला जी के शेयर को देखोगे, तो देखिए कहाँ एक टाइम पे इसने 642 का हाई टच किया है, और नीचे गिरते गिरते अपने इस सपोर्ट लेवल, इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है जो कि 300 400 से लेके ये 360 से 400 के लेवल पर, अभी कुछ टाइम पहले भी गिर के इन लेवल्स पर आया था, अब धीरे धीरे यहाँ से रिकवरी ये कर रहा है। और अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आज की डेट में इनका टोटल शेयर होल्डिंग जो VIP इंडस्ट्रीज में है वो 3.69%, राकेश झुंझुनवाला जी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर हैं VIP इंडस्ट्रीज में। तो मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया भैया, 109 FII ने इन्वेस्ट कर रखा है, DGP सिक्योरिटीज लिमिटेड मेन प्रोमोटर है, राकेश झुंझुनवाला जी मेन पब्लिक हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। तो ये तो आपने देख लिया VIP इंडस्ट्रीज के बारे में और राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में। अगर आप VIP इंडस्ट्रीज बढ़ता जा रहा था और राकेश झुंझुनवाला जी की कमाई इसमें बढ़ते जा रही थी, लगेज इंडस्ट्री का टॉप का है। दूसरी चीज़ आप राधिका पिरामल जी, राधिका पिरामल जी को जानते होंगे, देखिए राधिका पिरामल जी के बारे में पढ़िए, इनका मेन हाथ रहा है VIP इंडस्ट्रीज को बड़ा और बड़ा ग्लोबली एक रिकग्नाइज्ड एक ब्रांड बनाने में राधिका पिरामल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए वो VIP इंडस्ट्रीज प्रोमोटर जो हैं दिलीप पिरामल जी, अप्रैल एक को अगर आप देखें पुराने टाइम में पहले, अभी दिलीप पिरामल जी उन्होंने क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव रोल छोड़ा, सुदीप घोष जी जो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, तो और राधिका पिरामल जी, एक VIP को ब्रांड में कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका हाथ रहा है। और 2011 में उस टाइम पर राधिका पिरामल जी मैरिड हो गई थी, लंदन शिफ्ट हो गई थी, फिर भी वो यहाँ इंडिया और बाहर आते जाते रहते थे, और VIP को एक बिगर रोल में कन्वर्ट करने में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट रहा है। चलिए और VIP इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे इसके अंदर जो ब्रांड्स आते हैं वो टॉप के, चाहे आप इसमें स्काई बैग्स की बात करो, और इसका जो रिवेन्यू है खास करके अफ्रीका मिडिल ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया टॉप का रहा है। देखिए और मैं यहाँ पे जो ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ इसके अंदर क्या नहीं आता, लगेज सेगमेंट में टॉप के सारे ब्रांड्स जो हैं वो VIP इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। कार्लटन की बात करो, VIP की बात करो, स्काई बैग्स करो, एरिस्टोक्रेट क्रेट करो, अल्फा लगेज, तो ये सब चीज इसी ये ब्रांड सारे VIP के अंदर आते हैं। अब अगर आप बात करोगे तो VIP एंड सैमसोनाइट ये दोनों कंपनीज हैं जो कि डोमिनेट करती हैं लगेज इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर, और जो सफारी है वो तीसरे नंबर पे है। तो VIP मतलब मेजर, इसीलिए देखिए बहुत सही, मतलब राकेश झुंझुनवाला जी ने जो माइंडसेट सोचा आने वाले 10-5 सालों के हिसाब से, तो वो बहुत बढ़िया। तो जब भी स्टॉक चूज करते टाइम ये एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए फ्यूचर ग्रोथ का। तो ये तो हमने जाने VIP इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अगर हम इसके फंडामेंटल्स डिटेल देखें तो आज की डेट में भी देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, और पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है वो 11 से 12% की है, ज़बरदस्त मैं कहूँगा। और अभी भी सबसे मेन बात है कि ये जीरो डेट की कंपनी है, कोई उधार इस कंपनी पे नहीं है, ये सबसे मेन बात है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,000 करोड़ का है, बुक वैल्यू 39 के अराउंड की है, PE रेशियो 39 का है, और अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 10 से 11 के बीच में है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो कहाँ देखिए, अप्रैल में तो मात्र 704 करोड़ का सेल्स का फिगर था, आज की डेट में 1700 करोड़ हो चुका है। और प्रॉफिट देखिए
2011 में जैसे मैं आपको बता रहा था कि 89 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 155 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हर चीज़ में बढ़िया जा रहा है। अगर टेक्निकली लेवल पे देखें तो बाइंग लेवल्स, मतलब स्टॉक के अप डाउन तो हर स्टॉक में चलता है। ये स्टॉक काफ़ी अल्टीमेट स्टॉक मैं कहूँगा, खास करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेहतरीन। अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव अभी है, ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के अंडर लाई कर रहा है। और क्वालिटी पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, मैनेजमेंट, ग्रोथ, कैपिटल स्ट्रक्चर, हर तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। राकेश झुंझुनवाला जी ने तो 33 गुना कमाई करी है शेयर से, करोड़ों, अभी भी बहुत ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग उनकी बनी हुई है शेयर में। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना भी वो निकाल दें, फिर भी उसमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उनकी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।